The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. बहुत दुख की बात है दोस्तों, इरफान खान और इशी कपूर जी के बाद अब वाजिद खान, एक और बहुत उम्दा इंसान, बहुत बढ़िया हस्ती हमें छोड़ के जा चुकी है। इस बार कोई कैंसर नहीं था, इस बार था कोरोना। जी हाँ, वाजिद खान को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन भी हुआ था, जहां तक हमें सुनने में आ रहा है। और ऐसा नहीं था कि वो एक यंग और पहले से कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं थी उनको बीमारी थी पहले से, उनको किडनी की बीमारी थी, उनकी किडनी का ट्रांसप्लांट भी हो चुका था जहां तक सुनने में आ रहा है। तो किडनी की और बीमारी के अंदर किडनी में इन्फेक्शन भी था, तो किडनी में इन्फेक्शन प्लस कोरोना डायग्नोस होना अपने आप में एक डेंजरस चीज हो जाती है। और ऐसे में फिर जो बीमारी है वो जानलेवा हो सकती है। तो इसीलिए इस बीमारी के बारे में हम आपको बताएंगे कि पहला सवाल, क्या किडनी की बीमारी आपको हाई रिस्क पे रखती है? जी बिल्कुल, कोई भी क्रोनिक डिजीज, कोई भी क्रोनिक बीमारी आपको हाई रिस्क में, मोर रिस्क में डाल देती है। जो लोग डायलिसिस पे हैं, उनका ऑलरेडी इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, वीक होता है, उनके लिए दूसरी किसी भी बीमारी, किसी भी इन्फेक्शन को फाइट करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आपको डायलिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डायलिसिस भी नहीं करेंगे तो बीमारी भी आपकी बढ़ती जाएगी, किडनी की बीमारी और बढ़ती जाएगी, रिस्क और बढ़ता जाएगा। और जिन पेशेंट्स ने किडनी ट्रांसप्लांट करा रखा है, वो जो भी पेशेंट हो, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद क्या हो जाता है कि आपको एंटी रिजेक्शन मेडिकेशन पे रखा जाता है। ये एंटी रिजेक्शन मेडिकेशंस आपके इम्यूनो सप्रेसिव होती है, इम्यूनिटी को और सप्रेस करती है। इस बीच अगर आपके शरीर में कोरोना हो या कोई भी वायरस चला जाए, कोई भी खतरनाक बैक्टीरिया चला जाए, जानलेवा हो सकता है। ये मेडिसिन एंटी रिजेक्शन इसलिए दी जाती है कि आपको दी गई फॉरेन किडनी, आपका बॉडी उसके खिलाफ ही उसके एक्ट करने ना लग जाए, तो आपके शरीर की मदद करने के लिए दी जाती है। लेकिन इस बीच इन्फेक्शन से बच के रहना पड़ता है, बहुत जरूरी होता है इन्फेक्शन से बच के रहना जब एंटी रिजेक्शन मेडिकेशन चल रही है। तो प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है, प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है आपके जो इंसान किडनी की बीमारी का हो उसके लिए क्या करना है। जो खासकर अगर उम्र भी ज्यादा है, किडनी की बीमारी भी है, तो फिर आप हाई रिस्क में, यानी हाई रिस्क का वीडियो बताया था, उसमें एनीमिया भी था, किडनी, बीपी, शुगर, डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम, इवन ऑटो इम्यून डिजीज, ये भी हाई रिस्क पे है। तो ये हाई रिस्क आपको भी है अगर आपको किडनी की बीमारी है।